जय श्री राम दोस्तों, मेरा मैं सुमो, आप देख रहे YouTube चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ समस्त रंग हंसी खुशी चीरे होंगे। तो गाइज मैं आगे अपने एक और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले खेलने जा रहे हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, सुपर मार्केट सिम्युलेटर, जिसमें हम लोग को अपनी एक राशन दुकान खोलनी होगी। और वो राशन दुकान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सुपर मार्केट, तो हम लोग को वही चलाना है, अपने सुपर मार्केट को एक बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो भाई फिलहाल हम लोग को कुछ प्रोडक्ट्स तो चाहिए अपने सुपर मार्केट में, अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना सुपरमार्केट चला रहे हो। तो भाई सबसे पहले यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स देखता हूँ, और मेरे पास बजट देख लो भाई $50 है। तो $50 में ज़्यादा कुछ तो होने से रहा, तो सीधा एक ये सीरियल मंगाते, क्योंकि ज़्यादा देखो सबसे महंगी चीज़ फिलहाल तो वही है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी में निकलेगा, तो वो मंगा लेते हैं। और तुरंत वो बॉक्स यहाँ बाहर डिलीवर हो चुका है, तो जाके वो बॉक्स उठा के अब सीधा देखो, यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है भाई, मैं ये बॉक्स खोल नहीं पा रहा हूँ कि ये बॉक्स खोलते कैसे और इससे प्रोडक्ट निकालते कैसे, क्योंकि पहली बार फ़ोन में खेल रहा हूँ ना ये गेम। कंप्यूटर में मैंने गेमर्स को खेलते हुए तो बहुत बार देखा, पर यही है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था इसको मैं खेलूं तो खेलूं कैसे। तो यहाँ पे कैसे भी करके तुक्के तुक्के में मैंने ये प्रोडक्ट खोल लिया। अब देखो यहाँ पे मैं लगाऊं कैसे, मेरे को वो भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने फिर वही बटन दबाया तो ये प्रोडक्ट लग भी गया। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को अब ये बॉक्स यहाँ फेंकना है, क्योंकि टास्क है, तो मैं यहाँ ऐसे इसको थ्रो करके चला जाता हूँ। पर भाई मैंने फिर यहाँ पे ट्यूटोरियल देखा कि वहाँ पे मुझे उस ट्रैश कैन में डालना है उस बॉक्स को, तो भाई जाता हूँ इज्जत से वापस उठा के उस बॉक्स को अंदर डाल ही देता हूँ, क्योंकि नहीं डालूंगा तो भाई मेरी ही दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, अब तुरंत ये प्रोडक्ट का प्राइस भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। पता चला हम लोग लॉस, दुकान खोलने से पहले लॉस में चले गए, हम लोग ने फ्री में यहाँ पे सामान बेच दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट प्राइस है कितना, $598। तो मैं यहाँ पे इसको नया तो भाई मैं तो यहाँ पे 10-20 करोड़ में भी बेच सकता हूँ, पर यार मैं छोटा सा एक उतना का उतना रख देता हूँ मार्केट प्राइस पे, ताकि कस्टमर तो आए और फिर अपना शॉप को ओपन भी कर दे। अब देखो हम लोग की पहली कस्टमर आ गई है, अब यहाँ पे मैं सीधा पहुँच जाता हूँ ये कैश वाले टेबल पे, यहाँ पे हम लोग चेकआउट पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो भाई कितने कैश दिया, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे इसको कैश दूँ तो दूँ कैसे वापस, इसने कैश दिया और मैं यहाँ पे देख रहा था। फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे मेरे को मैनुअली एक एक नोट निकाल के देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसके $4 कुछ सेंट्स हुए थे, तो भाई इनको दे देता हूँ $4.02 का सीधा रिफंड, रिटर्न नहीं मतलब क्या चेंज वापस कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे देखो हम लोग की एक और कस्टमर आ गई है, आइए मैडम आपका स्वागत है हम लोग के सुपर मार्केट में, यहाँ पे आपको भी सीरियल ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल बजट की थोड़ी कमी है, इसलिए हम लोग सीरियल छोड़ के कुछ बेच नहीं रहे हैं। अब भाई देखो सामने इसको मैंने सीरियल का दाम तो सेम रखा है, तो भाई यहाँ पे सब लोग वही खरीद रहे हैं, एक पैकेट खरीद रहे हैं, तो भाई मेरे को उतना ही फ़ायदा हो रहा है, $1 का फ़ायदा हो रहा है। अब भाई हम लोग को प्रोडक्ट्स और भी लगेंगे अपने ये सुपर मार्केट में, क्योंकि एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, शेल्फ भले अभी हम लोग के पास बहुत कम है, हम लोग धीरे धीरे भाई देख लो अगले आने वीडियोज़ पे इसको और एक्सपेंड करते रहेंगे अपने सुपर मार्केट को। अब भाई देख रहे हो भाई, लगता है बंदा सीधा फुटबॉल मैच से यहाँ पे भाग के आया हुआ है सीधा। भाई फुटबॉल मैच में क्या सीरियल खा के खेल सकते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता है कमेंट सेक्शन में बता दे। और आप लोग कौन से चाहते हो मैं और कौन से गेम्स खेलूं, तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर भाई भाई बस एक चीज़ है, मैं फ्री फायर नहीं खेलूंगा, वो मतलब लिख देना नीचे भाई, फ्री फायर नहीं खेलूंगा बस भाई, मुझे वो गेम अच्छा नहीं लगता। अब देखो यहाँ पे भाई मेरे को 25 चेकआउट्स करने, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ रहता हूँ कि और कस्टमर्स आएंगे, अब वो धीरे धीरे आते भी। अब देखो कस्टमर आ रहे पर एक एक करके आ रहा है, भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा, क्योंकि देख सकते हो एक ही प्रोडक्ट है, कितना ही उसमें मैं प्रॉफिट निकालूंगा, $2 से $3 करके एक एक बॉक्स बेच रहा हूँ, तो ज़्यादा तो उसमें प्रॉफिट होगा नहीं हम लोग को। तो हम लोग को जल्दी से यहाँ पे सारे चेकआउट्स कंप्लीट करके तुरंत ख़त्म करना। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था यहाँ इसको करूँ कैसे, क्योंकि ये वाला कैश खुला नहीं, फिर मेरे को याद है भाई इसने तो कार्ड दिया था, तो चुपचाप यहाँ पे कार्ड पेमेंट लेना है मुझे। तो तुरंत इस कस्टमर को भी यहाँ पे चेकआउट करके, यहाँ पे और कस्टमर आ रहे होते हैं भाई, कसम से सबसे बोरिंग काम इस गेम का यही है कि भाई चेकआउट्स करते रहो। और भाई यहाँ मैं देख रहा था कि भाई बैटरी कितनी बची हुई है मेरे फ़ोन की, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था ये गेम खेल के, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो तुरंत यहाँ पे कस्टमर सबको मैं यहाँ पे वापस इन लोग का बचा खुचा चेंज देने लगता हूँ। और भाई देख रहे हो कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहे भाई, एक ही प्रोडक्ट है। और भाई तुरंत यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीच में मैंने बस एक कट मार दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहा था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मजाक सट के मैंने कितना 30-40 मिनट खेले, तब जाके आप लोग को ये 13 मिनट की वीडियो ला के दे रहा हूँ 30-40 मिनट खेलने के बाद। और भाई बीच में तो मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया था इस गेम की वजह से, भाई प्रॉपर क्रैश हो गया, सब बंद, फ़ोन बोल दिया कि भाई और कुछ नहीं चल रहा, तो भाई सीधा है एक ही प्रोडक्ट बचता। और इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके वहाँ देख सकता हूँ, मैंने ब्रेड की नया प्रोडक्ट भी मंगाया, ब्रेड और एक डिटर्जेंट ये सब भी मंगाया, और भाई यहाँ पे बाहर और प्रोडक्ट्स मंगाए हुए थे, तो जाके ये मेरा सीरियल ख़त्म हो गया, तो मैं सीरियल को वापस ला के स्टॉक में भर लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है भाई, सीरियल सबसे पहला आइटम था, तो इसको छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा लोग यही खरीदते हैं।
और यहाँ पे भाई धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था, और इस मोमेंट तक भाई मेरा फ़ोन ठीक चल रहा था, अभी तक कुछ दिक्कत नहीं। पर जब क्रैश होता है, इसके बाद ही हल्का सा क्रैश हो जाता है, जब पूरी रात हो जाती है उसके बाद मेरे को सारी मेरी रिकॉर्डिंग जितना मैंने किया था सब मेरा क्रैश हो जाता है, मेरा गेम ही रिस्टार्ट हो जाता है, असल में सेव हुआ नहीं था। तो भाई मेरे को वापस सब शुरू से शुरू करना पड़ता है, मतलब शुरू से शुरू नहीं, जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स मंगा रहा होता हूँ तो वहाँ से मेरे को दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको मार के, और भाई मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा था कि भाई मेरे स्टोर में लाइट भी है, मैं अंधेरे में काम किए जा रहा हूँ, मुझे भनक भी नहीं है मेरे स्टोर में भाई लाइट नाम की चीज़, और मेरे को यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा था। क्या मतलब भाई ये मेरा करियर है जो मेरे को दिख नहीं रहा इतना अंधेरे में? ऐसा बात नहीं है भाई, देखो नया नया गेम स्टार्ट कर रहा है भाई, इसका एक आध दिन तो लगेगा इसको भी अच्छे से वॉइस ओवर करने में, और मतलब इसमें क्या क्या बोलना रहेगा वो सब देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वरना तो अपने को क्या दिक्कत है, वरना अपन तो बोलते रहेंगे, आप लोग मेरी बकबक सुन के थक जाओगे पर मेरा बकबक ख़त्म नहीं होगा वॉइस ओवर। और मैं सोच रहा था कि भाई इस गेम को भी ऐसे खेलते हुए वॉइस ओवर करूँ, पर वैसे मेरे को मज़ा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि भाई मैं शांति से खेलने वाला बंदा हूँ, चुपचाप मुँह बंद करके खेलता हूँ भाई, मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब भाई देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ने फाइनली 20 चेकआउट कंप्लीट होने वाले हम लोग को इस बंदे को देने के बाद। अब भाई इन बंदों को भी यहाँ पे तुरंत चेकआउट कर देते हैं, क्योंकि अगला दिन भी तो हमें शुरू करना। पर एक चीज़ समझ आ गई, गेम में मज़ा बहुत आ रहा था, भले ही मेरा फ़ोन फटने के लिए हाल में हो चुका था, इतना गर्म था, पर वो सब तो चलता रहेगा। फिर मेरे पास फ़ैन भी है, पहले BGMI खेलता था तो भाई कूलिंग का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके हमने रखा हुआ है, तो भाई वो सब है अपने पास, चिंता मत करो उसका, तो वही है। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ अभी क्या करूँ, देखो पहला दिन है तो इसमें ज़्यादा कुछ मेरे पास है ही नहीं, मैं बस इन कस्टमर्स को चेकआउट कर सकता हूँ, और मतलब कस्टमर को चेकआउट नहीं, इनका जो प्रोडक्ट ये खरीद रहा है वो चेकआउट कर सकता हूँ, कुछ और मत समझ लेना तुम लोग, भाई तुम लोग की सोच क्या हो सकती है मुझे नहीं पता। अब देख सकते हो मेरे मैंने वहाँ 23 चेकआउट कर दिए थे, अब मेरे यहाँ 20 हो गए, क्योंकि इस मोमेंट में मेरा गेम क्रैश हो चुका था। तो भाई मैं यहाँ वापस शुरू से शुरू कर रहा हूँ, और अब मेरे को पता चल गया था ये डे को नेक्स्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग वही करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन पहुँच जाते हैं। और भाई अब अगले दिन से हम लोग का यहाँ पे क्या बोलते हैं ये थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लगने चालू हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को बिल विल पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन तो फ्री था, अब दूसरे दिन से हम लोग का असली एक्सपेंस आना चालू होगा। तो यहाँ पे देखता हूँ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग के अनलॉक हो चुके हैं, और एक अब इसके बाद हमको लाइसेंस खरीदने बोलता है, शायद मेरे को ज़्यादा क्या था, क्योंकि भाई देखो अब मेरे पास प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी कमी तो हो गई, $4 बचे हैं, प्रोडक्ट्स उतने हैं नहीं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स पे अभी इन्वेस्ट कर दिया, जितना पैसा था मेरे पास $150। अब देखो यहाँ पे हम लोग मंगाते हैं ये ऑयल की बॉटल्स। अब मेरी यहाँ पे एक गलती हो जाती है, जब मैं ये पहले खेल रहा था क्रैश होने से पहले, मैं गलती से ये स्टोर को ओपन करके उस तब जाके प्रोडक्ट्स लगा रहा, तो भाई बंदों ने मेरे प्राइस सेट करने से पहले आधी सामान उठा के ले जाते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ था जब मैं पहले खेल रहा था जब तक क्रैश नहीं हुआ था। पर इस बार मैंने अभी तक ओपन किया नहीं है स्टोर, भाई सीधा मैं पहले प्रोडक्ट लगाऊंगा, प्रोडक्ट लगा के भाई सारे प्राइजेस को सेट करूंगा, ताकि मुझे लॉस ना हो, प्रॉफिट जितना होना चाहिए उतना तो होगा ही, पर भाई लॉस नहीं जाना चाहिए मुझे कुछ। तो यहाँ पे ये सारी ब्रेड्स लगा के अब ये बॉक्स को जल्दी से ट्रैश कैन में डाल देते हैं, और यहाँ से हम लोग जल्दी से अपनी दुकान को चालू कर देते हैं भाई, क्योंकि अब देखो प्रोडक्ट्स पहले दिन बस वो नीचे वाले जो हम लोग ने रखे हुए हैं सीरियल्स वही थे हम लोग के पास प्रोडक्ट, पर फिलहाल भाई देख सकते हो हमारे पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, ऑयल हो चुका है हम लोग पास, फ्लोर है, वीट है, मतलब वीट का ही तो फ्लोर होता है, आटा है जिसको फ्लोर समझ नहीं आ रहा है तो, या मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई वो आटा है, तेल है, ब्रेड है, सीरियल है, वो सब रखा हुआ है हमने। तो आगे अब आप भी हमारी दुकान से शॉपिंग कर सकते हैं, मेरा बस यहाँ पे बोल देना मेरे सब्सक्राइबर तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, अब यहाँ पे जल्दी से अपनी दुकान चालू कर दे ताकि कस्टमर आए। अब देखो कस्टमर आने का वेट मैं बहुत करता हूँ, इधर उधर उछलता रहता हूँ कि भाई जल्दी से कस्टमर आ जाए, क्योंकि बोर हो रहा था असल में भाई। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कस्टमर अभी तक आए क्यों नहीं, भाई हाँ तो जाने चाहिए था अभी तक, पर फिर मेरे को पता चलता है भाई थोड़ा टाइम लगता है, 9 बजे के बाद कस्टमर आते थे, और यहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकंड के हिसाब से था, तो ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं है, तो उस हिसाब से ज़्यादा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो रात में स्टोर में आया तो कुछ मतलब कितना एक दिन इसमें कितना मिनट का चलता होगा असली लाइफ के हिसाब से, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। अब भाई देख सकते हो ये फुटबॉलर वापस आता है हमारे स्टोर में, अब भाई इसके पीछे जर्सी में प्लेयर लिखा हुआ था, नाम लिखवा लेते भाई साहब अपना, कम से कम आपकी पहचान तो बन जाती। अब भाई बंदा आता है तुरंत इसने सामान खरीद भी लिया, मैं समझ रहा हूँ इसने क्या खरीदा, पर फिर देखता हूँ इसने बस एक बोतल तेल खरीदी है। अब भाई इसका कार्ड लेता हूँ, कार्ड से मैं सोच रहा था इसके पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दूँ, पर मैं सोचा भाई जाने तो पाप नहीं करते हैं, सिर्फ $4 का बिल है तो वही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे इस बंदे ने भी मेरे को पैसे दिए, अब इसका कुछ चेंज बन नहीं रहा था, मैं सीधा पहले ये सारे पैसे डालता हूँ अपने ड्रॉअर में और सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ कंप्यूटर पे देखने के लिए, क्योंकि लाइसेंस खरीदना था। और भाई दो मेरे को यहाँ पे दो चेकआउट और करने थे, और यहाँ मेरे को थोड़ा सा मैंने ये अपने ये कार्ट में आटा वगैरह ऐड करके रखा था तो उसको भी मंगाना था, तो वो मंगा लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा ये जो बगल में एक वाइट कलर क्रॉस है इसको दबाने से पूरा ख़त्म हो जाता है, ये कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होगा, और जो ऊपर वाला ये
क्रॉस बार है उसको मैं दबाता हूँ तो धीरे धीरे बनता। भाई तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे दो बंदे और खड़े हो चुके हैं, इसका भी कुछ चेंज नहीं था टकलू अंकल का, तो इनको भी ऐसे ही जाने देता। फिर यहाँ से इस बंदे से इसका कार्ड लेते हैं। भाई बंदे ने धीरे धीरे देखो, पहला दिन बस $5 का शॉपिंग हो रहा था, अभी $10 तक जा चुका है। अभी बस भले ही मेरे पास $19 है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास और पैसे नहीं होंगे, मैं पैसे ज़रूर इकट्ठा करूँगा, देख लेना आप लोग। अब भाई हम लोग एक नया प्रोडक्ट अपने यहाँ पे दुकान में पास्ता लगाने जा रहे हैं, और फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ कि यहाँ पे बंदे आने वाले और मेरे को ये बॉक्स फेंकना आता नहीं है, तो मेरे को टाइम लगता है। और तब तक भाई बंदे आके यहाँ से मेरे को डर रहता है कि ये लोग उठा ना ले यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए ना। देखो 0.1 सेंट में क्या ही प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, इन बंदों ने फिर लाइन लगा ली। इस बार देखो सामान ज़्यादा है, दो ब्रेड एक तेल की बॉटल, लगता है घर में सैंडविच बनने वाला है। तो तुरंत यहाँ से पैसा लेते हैं, इनको इनका बचा कुछ चेंज दे देते हैं। $2.81 चाहिए इनको, तो वो दे देते हैं 51 है शायद, तो इनको दे देते हैं। और तुरंत इसके बाद ये बंदा सीरियल लेने आता है, और भाई इन सबको यहाँ पे चेकआउट करने के बाद हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म भी करने वाले, क्योंकि देखो सारा गेम प्ले आज तो नहीं दिखा दूंगा ना। बगला जो मेरे को लाइसेंस खरीदना है अगले पार्ट में खरीदूंगा, क्योंकि कंटेंट थंबनेल सब उधर से ही तो मिलेगा, इधर से सब करके थोड़ी मिलेगा, पहले ही पार्ट में सब नहीं दिखा सकता ना, समझो यार थोड़ा मेरा ये वाला दिमाग भी समझो कि हाँ ऐसा भी करना रहता है। तो यहाँ पे जल्दी से इस बंदे को भी इसका प्रोडक्ट्स दे देते हैं, और यहाँ से हम लोग अब चलते हैं जल्दी गेम को ख़त्म करने की तरफ। पर ये बंदे लोग ख़त्म हो तब तो भाई यहाँ पे मैं गेम बंद करूँ। ये लोग आते जा रहे जो अच्छी बात होती है। तो फाइनली यहाँ पे मैं एग्जिट होता हूँ, और भाई यहाँ पे आता हूँ लाइसेंस थोड़ा चेक करता हूँ कि लाइसेंस असल में आता कितने का है, क्योंकि पता चला थोड़ा महंगा आ गया तो भाई क्या कर सकते हैं ना फिर। और भाई मुझे पता भी नहीं, आप मेरे को दिख भी नहीं रहा है मैंने अपना वो फाइनल कट कहाँ मारा हुआ है। मुझे पता तो चले तब तो मैं वहाँ पे कुछ ये अपना आउटरो दे सकूँ, पर मेरे को पता भी नहीं चल रहा है अब, क्योंकि देखो अब मैं आता हूँ चेक करता हूँ कि यहाँ पे लाइसेंस है कितने, और लाइसेंस था $200 का। तो सोचता हूँ अगले पार्ट में किया जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स है इनको लगा लेता हूं, और जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हवन चीरता जावे लगे बाज दी चौंझ हर हथ नहीं।